जब ये ब्राह्मणवादी लोग सो जाए तो इनके घरों में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देना, और जब कोई घर से बाहर निकले तो उस पर चारों को छुरी से वार करके उसको जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने हमें कलम थमाई, बाबा साहब फूले पेरियार इन सब ने हमें कलम दी। लेकिन जिस तरह से अगर मैं पेरियार जी की बात करूं तो साथ ही उन्होंने जूतों से स्वागत किया कि एक व्यक्ति की गर्दन काटने पर इतने करोड़ रुपए का इनाम। आखिर चल क्या रहा है भारत देश में? वो दिन दहाड़े करोड़ों रुपए का इनाम रख देते हैं गर्दन काटने पर। अब सोचिए ताकत आती कहाँ से है इन लोगों को। अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र होता है ना तो ना मैं यहाँ पर बोल पाऊंगी, ना आप यहाँ पर बैठकर मेरे विचार सुन पाएंगे। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों खड़े हो जाओ, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है कि जिस देश में दिन दहाड़े बहन बेटे के साथ में बलात्कार हो जाता हो, जिस देश में रोजगार के लिए युवा सड़कों पर भटकता हो, जिस देश में महिला पेंशन के लिए भटकती हो, जिस देश में 19 लाख प्रतिदिन लोग भूख से सोते हो, और जिस देश में 3000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरते हो, तो क्या वहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाना चाहिए? उन्होंने समाज के सभी लोगों को कहा कि अपने हाथों में एक एक माचिस की डिबिया ले लेना, एक एक मिट्टी के तेल की डिबिया ले लेना, और एक एक धार दार चाकू ले लेना, और रात को जाना जब ये ब्राह्मणवादी लोग सो जाए तो इनके घरों में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देना, और जब कोई घर से बाहर निकले तो उस पर चारों को छुरी से वार करके उसको जिंदा मत छोड़ना। साथियों जितना विरोध पेरियार जी ने उस समय किया, उससे कहीं ज्यादा विरोध नेहरू जी का उन ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। और उन्होंने साथियों आपको जानकर रहना पड़ा कि जो ब्राह्मणवादी राज्यपाल था उसको वहां से हटा दिया गया। तो ये ताकत थी हमारे महान पुरुषों की। तो आज मेरे समाज की बहन बेटियों को घर की चार दीवारी से निकलने की जरूरत है, और आज मैं कहती हूँ हमारी लड़ाई कलम की है, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने हमें कलम थमाई, बाबा साहब फूले पेरियार इन सब ने हमें कलम दी। लेकिन जिस तरह से अगर मैं पेरियार जी की बात करूं तो साथ ही उन्होंने जूतों से स्वागत किया। और एक घटना का जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल देश में जो सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आज बहुत सारी चीजें ऐसी ला दी जा रही हैं जिनका इस देश के लोगों से कोई भी सरोकार नहीं है। आज विज्ञान पर पाखंडवाद को हावी किया जा रहा है। अभी सुबह सुबह जिस तरह आपने देखा, एक मंच सजा था और वहां पर साफ साफ लिखा था कि एक व्यक्ति की गर्दन काटने पर इतने करोड़ रुपए का इनाम। आखिर चल क्या रहा है भारत देश में कि दिन दहाड़े भगवाधारी लोग, जिन्होंने की भगवा संस्कृति को भी बदनाम कर दिया है, वो दिन दहाड़े करोड़ों रुपए का इनाम रख देते हैं गर्दन काटने पर। अब सोचिए ताकत आती कहाँ से है इन लोगों को, ये ताकत आती कहाँ से है, ये हिम्मत आती कहाँ से है? क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग और प्रशासन में बैठे हुए लोग इनके हाथों की भी कठपुतली बने हुए हैं। क्योंकि जो लोग आज लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र होता है ना तो ना मैं यहाँ पर बोल पाऊंगी, ना आप यहाँ पर बैठकर मेरे विचार सुन पाएंगे। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों खड़े हो जाओ, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई है। क्योंकि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए, 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए, 75 साल जिस तरह से भारत ने अमृत महोत्सव मनाया। लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि जिस देश में दिन दहाड़े बहन बेटे के साथ में बलात्कार हो जाता हो, जिस देश में रोजगार के लिए युवा सड़कों पर भटकता हो, जिस देश में महिला पेंशन के लिए भटकती हो, जिस देश में 19 लाख प्रतिदिन लोग भूख से सोते हो, और जिस देश में 3000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरते हो, तो क्या वहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? खुद जवाब दीजिए। क्योंकि सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकती हैं, लेकिन हमारी क्या भूमिका है? आज हम किस तरह से उस दिशा में काम कर रहे हैं? और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि साथियों आपकी हर समस्या करने के लिए आपको अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। और वो कौन सी गैर राजनीतिक जड़ें हैं? आज ना तो हमारे धार्मिक आंदोलन है, ना आज हमारे सामाजिक आंदोलन है। मैंने तमाम ऐसे धार्मिक आंदोलन देखे हैं, चाहे लखनऊ की बात करूं, गोरखपुर की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, गुजरात की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, वहां से भीड़ भरकर वहां बुला ली जाती है, वहां से भरकर वहां बुला ली जाती है। तो क्या हम ऐसे सांस्कृतिक परिवर्तन कर पाएंगे? हम
के लिए बोध हो गए, लेकिन जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, आज भी कहीं ना कहीं उसमें हिंदू धर्म का पुट हमें देखने को मिलता है।